कौन बताया? हाइक का नाम क्या है? अरे अरे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंधिका सिंघानिया। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हो देन प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना, और पहले से जुड़े हुए हो तो थैंक यू सो सो मच। सो गाइस, अभी मैं तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग स्टार्ट कर दूं, क्योंकि रोज मैं ये सोच के स्टार्ट नहीं करती कि अब करूंगी और रोज व्लॉग रह जाता है। तो अब से मैं क्या क्या कर रही हूँ आप लोग देखो। तो फिलहाल तो मैं अपना मेकअप कर रही हूँ, बहुत लाइट सा, क्योंकि मेरा रील्स बनाने का मन हो रहा है तो मैं भी रील्स बनाने के लिए मेकअप कर रही हूँ। तो मेकअप करके अच्छी तरीके से फिर आप लोगों को मिलती हूँ। गाइस, आई एम रेडी, बहुत ही हल्का सा मेकअप कर लिया है और मैं जाऊंगी रील्स बनाने। और मैंने आज ये वाला टॉप पहना है और ये वाले झुमके डाल रखे छोटे से। मैंने सोचा हूप्स पहनूंगी पर फिर कहा कि नहीं यार, टॉप पे तो हर बड़ी हुप्स ही पहनती हूँ, इस बारी कुछ अलग करके देखते हैं कैसा लग रहा है। इतना बुरा भी नहीं लग रहा जितना मैं सोच रही थी। तो अभी मैं आप लोगों को रील्स बना के मिलती हूँ, ठीक है। तो गाइस, अभी भी मैं रील्स बना रही थी तो मेरे को याद आ गया एक बात कि एक लड़की है छोटी सी जिसने मेरे को कमेंट में बोला था कि दीदी नेक्स्ट व्लॉग में आप ना मेरा नाम जरूर लेना। तो मेरे को अभी याद आया तो मैंने सोचा क्यों ना अभी ले लेती हूँ उसका नाम, वरना अगर मैं भूल गई तो फिर अच्छा नहीं लगता ना। तो उसका नाम है मन्नू लाइफस्टाइल। रुको, मैं देख के आती हूँ कमेंट में, मैं भूल गई फिर से। तो मन्नू ही नाम है लेकिन। तो हेलो मन्नू, वेलकम टू माय चैनल। मैं यहाँ पे स्क्रीन शॉट लगा दूंगी उसकी आईडी की जिसमें उसने मेरे को कमेंट करा था। तो हेलो। और गाइज, अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आपका नाम भी लूँ तो प्लीज मुझे कमेंट में बताओ, मैं सबका नाम लूंगी क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी होती है। तो जितनी खुशी आपको होगी ना मन्नू, मेरा मतलब मैंने आपका नाम लिया ये सुन के, उतनी ही खुशी मुझे भी हो रही है आपका नाम लिखे। सो वेलकम टू माई चैनल, लव यू। मैंने रील्स बनाने के लिए मेकअप किया था बट मैंने रील्स बनाई ही नहीं, मतलब एक ही रील्स बनाई है, मतलब एक पोस्ट किया है अभी। तो अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके फॉलो करो ना यार, कर लो ना यार फॉलो मुझे। जस्ट जोकिंग, नहीं फॉलो करना यार, ये जोक नहीं था। फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और गाइस, अभी ना मैं, हाँ, और मेरे को ना कमेंट में बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपने हाईलाइट कैसे किया है। तो मैंने हाईलाइट पार्लर से करवाया था, मैंने खुद से हाईलाइट नहीं किया है, मैंने पार्लर में जाके हाईलाइट करवाया था। सो सॉरी, पार्लर में वो जो जैसे नॉर्मली हाईलाइट करवाते हैं बाल को वैसे ही करवाया है, कोई टेक्निक से नहीं किया। और आज ईद है तो आप लोगों को ईद मुबारक, सॉरी ईद मुबारक। और आप लोग ईद में क्या क्या कर रहे हो? इतनी लंबी तो कमेंट नहीं कर सकते पर मतलब लॉकडाउन में कुछ स्पेशल कर रहे हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। मेरी भी बहुत सारी फ्रेंड्स मुस्लिम हैं, अब उनसे भी पूछ रहा है मुझे कि ईद में वो लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी लॉकडाउन लग गया था। तो नेक्स्ट ईयर तो खैर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था ईद पे, पर इस बारी तो कहीं जाना नहीं है बाहर ना, तो इसलिए मैं कहीं जा नहीं रही, वरना मेरे फ्रेंड्स के घर पे मैं जाती ईद में, बट इट्स ओके। तो अगर वो वैसे वो लोग मेरा व्लॉग देखते हैं तो उन लोगों को भी ईद मुबारक। आफ्टरनून गाइस। सो गाइस, अभी टाइम हो रखे है 1 बज रहा होगा और अभी मैं खा रही हूँ पोहा। मैं जब पोहा बना रही थी तभी सोचा कि व्लॉग में ऐड करती हूँ, पर फिर सोचा आप लोग सोचोगे कि यार हर वक्त खाती ही रहती है। आई नो मैं बहुत खाती हूँ बट जब बना रही थी तब नहीं दिखाया, अभी दिखा देती हूँ। फिर सोचा कि जब खा रहे हैं और व्लॉग है, डेली लाइफ में मैं खाती रहती हूँ, अभी लॉकडाउन है ना यार, कुछ कहीं बाहर जा भी नहीं रहे हम, तो घर पे आदमी बैठे तो करे क्या। सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करा, बहुत सुबह कर लिया था तो अब भी भूख लगी मुझे। अब पता है दो तीन दिन से मैं व्लॉग नहीं कर रही थी तो मेरे घर में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो रहा था, इधर वो खेल रहा था, मतलब व्लॉगिंग करने का मन हो रहा था
और आज जब मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया तो मेरे घर वाले जाके सो गए हैं सारे, क्या ही बोलूं मैं। तो अब देखते हैं शाम को, शाम के समय में क्या पता कुछ चमत्कार हो जाए और फिर से वो वाली हमगम हो जाए, जिससे व्लॉगिंग करने में मज़ा भी बहुत आता है पता है। अब एक अकेला आदमी क्या करे। तो अभी मैं पोहा खा रही थी और मैं एक तेलुगु मूवी देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी बताऊँ। मूवी पता नहीं कौन देख रही थी, मैं जस्ट ऐसे ही लगाया और आ गई तो मैंने देखने लग गई थी। बट इतना पता है कि वो ट्रेंडिंग नंबर 12 पर चल रहा था जब मैं देख रही थी तभी, और बहुत अच्छी मूवी है। तो आधी देखी है और आधी और देखनी है, तो वो देख लेती हूँ फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक है। और अपना ये पोहा भी खा के मिलती हूँ। सो गाइस, कहाँ वो कहाँ से बोल रहे हो इधर? तो कैसे बोलते हैं हम? पीते है। नहीं, हम कैसे बोलते हैं? हेलो गाइस, तुम बोलो तो। गंदी बात। हेलो गाइस। नहीं बोलो, जाओ। हेलो गाइस। सो गाइस, मैंने पोहा खाने के बाद मैं सो गई थी और उसके बाद अब व्लॉग्स कंटिन्यू कर रही हूँ। तो चलो छोटो, हाँ बताओ हम लोग क्या कर रहे हैं। दिन में छोटी लाते हैं और अभी बर्तन धो के आई है। हाँ, बर्तन धो के आई है। पोल पोल। हाँ, क्या करने वाले हम लोग अभी? नुका छुपी खेलने वाला। नुका छुपी खेलेंगे, नुका छुपी मतलब हाइड एंड सीक खेलेंगे हम लोग, है ना? हाँ। इसमें क्या करेंगे? कब खेलेंगे? अभी खेलेंगे। तो चलो ना खेलने। हाँ चल रहे हैं। कैसे खेलते हैं हमको नहीं आता, बताओ। एक होता है, यहाँ के बताओ। एक होता है गिनती करता है, हाँ। दो तीन गोटा निकालता है, और दो चीज ढूंढता है। भैया, तुमको गिनने आता है ना? बिटी खेल रहा है। और सबसे फनी बात अभी पता चली है कि छोटू को गिनती करने नहीं आता, छोटू को 1-2 नहीं आता है। 1-2 नहीं आता है तुम का? छोटू को नहीं आता है, इतना जल्दी नहीं आता है। हमको आता है? नहीं आता है। हाँ आता है? नहीं आता है। गंदी बात। क्या खाए हो? मीठा। हर वक्त मीठी खाता रहता है, हर वक्त फेनू अपने खाते हैं। गिर जाएगा इधर। गाइज, अब हम खेलने वाले हैं हाइड एंड सीक। तो यार चोर कौन बनेगा? छोटू बनेगा चोर। नहीं तुम। हम नहीं बनेंगे। नहीं नहीं नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हम चोर बनते हैं और छोटू यस बुनु तीनों को ही छुप जाओ जाके, ठीक है? यस, हम कितना गिने? मैं अभी नहीं खेलूंगा बाद में। क्या कर रहे हो तुम? मैं? हाँ दियोरी। चलो छोटू हम लोग खेलते हैं, तो ठीक है। तो मैं 10 गिनती हूँ, तो तुम जाकर छुपो। ओके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। छोटू आ गए। छोटू। ओके गाइस, तो देखते हैं उसे कहाँ छुपा हुआ है। बोले छोटू कहाँ पे है? अब मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है? हेलो, तो यही कहीं छुपा हुआ है छोटू, जो मुझे दिखाई नहीं। मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। ओके, अब इसके नीचे भी हो सकता है वो देखो। नहीं, अब तुम पकड़े गए ना, अब तुम चोर बनोगे। नहीं, ये गलत बात है, अब तुम चोर बनो। अच्छा, मेरी बारी, अब मैं छुपूंगी। देखते हैं क्या छोटू मुझे पकड़ पाता कि नहीं। नहीं, रुको रुको रुको, अभी रुको रुको अभी रुको। नहीं, गलत बात है अब। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मुझे पकड़ लिया। चलो बाहर। आप चल बने। यस बुनु, क्या कर रहे हो? यस, तुम क्या बना रहे हो? हाँ, इसे क्या करोगे? खेलूंगा। भगवान जी वाला। भगवान जी वाला खेलोगे? दिखाओ तो, दिखाओ तो, अच्छे से दिखाओ तो। क्या बनाए हो? प्लेट। प्लेट बनाए हो? यस यस, एक बार अपनी आंखों को फिर से वैसे करो ना। दीदी।
अच्छा नहीं नहीं जस्ट क्या हुआ? चोर बनना ना। चोर बनना ठीक है। तो गाइस फिर से चोर बनने का टाइम आ गया, तो आ जाऊं? नहीं आऊं फिर से नहीं। ओके तो चलो अब छोटू को देखते, चलो बोलो मेरे साथ चलो। तो चलो देखते हैं छोटू भैया कहाँ पे है। और क्या हुआ, क्यों नहीं छुपे हैं? ओके यस, तुम भी खेलो ना, मजा आ रहा है हम लोगों को। करके दिखाओ ना कैसे डांस करते हो। हमने बहुत खेल लिया, अब हम हाइड एंड सीक नहीं खेलेंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं अब हम हाइड एंड सीक नहीं खेलेंगे, नहीं खेलेंगे। और गाइस मैं भी कमेंट देख रही थी, छोटू को पकड़ते हैं, लोगों ने कमेंट में लिखा है कि छोटू कहाँ पे हो। हाँ यार मैं हर बार बोलूं छोटू दिखा तो मैं क्या करूं, मैं मर जाऊं, मेरी तो टीम ही है। कौन बता रहे हो छोटू भाई, इसका नाम क्या है? अरे 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 ये देखो इसकी छोटी सी चेयर है, इसने इस चेयर को इसने इतना ज्यादा पटका है ना कि क्या ही बताऊं मैं। पीछे से टूट गया, नीचे से टूट गया। ओ मैग्डलिना, अब वैसे करोगे तो नहीं आएगा चेहरा। सो गाइज सॉरी, कभी कभी ऐसा कर देता है, प्लीज व्लॉग एंड कर दूं। ओके सो गाइज धनिया पुदीना कुछ भी बोलते हो। सो गाइज अब वक्त आ गया है व्लॉग को एंड करने का, सो होप यू गाइज एंजॉयड द व्लॉग। सो प्लीज डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड अगर आपको इसकी पागलपंती अच्छी लगी हो तो लाइक कर ही देना वीडियो को। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर। पूरा दिन के ला, थैंक यू, बीच दिन पूरे 50 दिन के ला, 4 दिन के ला, मेरा बर्थडे आने वाला है। आज पर बर्थडे आने वाला है और मैं कल ही इनको फिर से मिल जाऊंगी, तुम्हें पता नहीं है तो बता दूं। तो कल से आऊंगा, फिर आएंगे, बाय 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 बाय।